बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबा किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, सफ़ेद बालों को अक्सर लोग पसंद नहीं करते और सफ़ेद बालों को छुपाने की कोशिश की जाती है। सफ़ेद बालों पर कलर किया जाता है या फिर सफ़ेद बालों को उखाड़ दिया जाता है। इस बारे में कोई शक नहीं कि सफ़ेद बाल बुढ़ापे की निशानी है, और पहले एक दो बाल सफ़ेद होते हैं, फिर 10-12 और रफ्ता रफ्ता इंसान के सारे बाल ही सफ़ेद होने लगते हैं। आज की वीडियो में हम आपको सफ़ेद बालों के बारे में चंद दिलचस्प हकायक बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि सर के बाल अगर सामने से सफ़ेद होना शुरू हों तो किस बात की निशानी है। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना है। प्यारे भाइयों, सफ़ेद बालों के हवाले से यह हदीस मुलाहिज़ा फरमाइए जो यहया बिन सईद से यूं रवायत की गई है कि फरमाते हैं, मैंने हज़रत सईद बिन मुसीब को ये फरमाते सुना कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह के दोस्त थे, सबसे पहले इंसान हैं जिन्होंने अपनी मूछें कतरी, और वो सबसे पहले इंसान हैं जिन्होंने बुढ़ापा यानी सफ़ेद बाल देखे। चुनाचे उन्होंने जब सबसे पहले अपने बालों में सफ़ेदी को देखा तो अर्ज़ किया कि मेरे परवरदिगार, ये क्या है? परवरदिगार का जवाब आया कि इब्राहिम, ये वक़ार है, यानी ये इस बुढ़ापे की अलामत है जो इल्म दानिश में इजाफे का बायस और इज्जत वक़ार का ज़रिया है, और इसकी वजह से लहू लाब की मशगूलियत और गुनाहों के इर्तकाब से बाज रहता है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि परवरदिगार, ये तो तेरी बड़ी नेमत है, लिहाजा मेरे वक़ार में इजाफा फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस्लाम की हालत में यानी हालत ईमान में बुढ़ापे को पहुँचा तो ये बुढ़ापा उसके लिए क़यामत के दिन नूर होगा। एक शख्स ने अर्ज़ किया कि चंद लोग इन सफ़ेद बालों को उखाड़ देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका दिल चाहता है अपने नूर को उखाड़ दे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे दोस्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम अभी मेरे पास से गए हैं। वो कहते हैं कि कसम है उस ज़ात की जिसने आपको हक के साथ भेजा है, अल्लाह तबारक व तआला के बंदों में से एक बंदे ने 500 साल तक एक पहाड़ की चोटी पर इबादत की। ये पहाड़ समंदर के बीच में है। ये पहाड़ 30 मुरब्बा मील है। इसके चारों तरफ सैकड़ों मील का समंदर है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस इबादत गुजार के लिए इस पहाड़ में मीठे पानी का चश्मा जारी कर दिया है जिसकी धार उंगली के बराबर मोटी है, और एक तरफ अनार को उस पहाड़ की जड़ों में लगा दिया गया है जिसमें हर रोज़ एक अनार तैयार होता था। वो इस पहाड़ से उतर कर वुजू करता और इस अनार को खाकर फिर खुदा की इबादत में मशगूल हो जाता। जब उस आबिद की वफात का वक्त करीब आया तो उसने अर्ज़ किया, या अल्लाह, मेरी रूह सजदे की हालत में कब्ज़ हो और मेरे जिस्म को महफूज रखा जाए और मुझे क़यामत में सजदे की हालत में उठाया जाए। अल्लाह ताला ने उसके साथ ऐसा ही किया। चुनाचे हम आसमान से उतरते चढ़ते उसको इसी हालत में देखते। क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने जब ये बंदा हाजिर किया जाएगा तो हक़ ताला शानहु इरशाद फरमाएंगे, मेरे बंदे, मेरी रहमत से जन्नत में दाखिल हो जा। यह अर्ज़ करेगा, या इलाही, मेरे अमल की वजह से ही जन्नत क्यों नहीं? 2 दफ़ा ऐसा ही होगा। अल्लाह तबारक व ताला फरमाएगा, मेरी रहमत से जन्नत में दाखिल हो जा, और ये अमल का नाम लेगा। उसी वक्त अल्लाह ताला फरमाएगा कि जो नेमतें मैंने उसको दी हैं और जो अमल उसने किया है उसका हिसाब होगा, तो सिर्फ आँख की नेमत ही के बदले में 500 साल की इबादत ख़त्म हो जाएगी और बाकी जिस्म पर जो एहसानात हैं वो फाजिल और जायद होंगे। इरशाद खुदाबंदी होगा कि मेरे इस बंदे को आग में दाखिल करो, बस दोजख की तरफ उसको खींचा जाएगा। ये कहेगा, ए रब, मुझको अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल कर दीजिए। इरशाद होगा, इसको लौटा लाओ। चुनाचे ये हाजिर किया जाएगा। अल्लाह तबारक व ताला फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे, तुझे किसने पैदा किया? ये अर्ज़ करेगा, आपने पैदा किया। फिर इरशाद होगा, 500 साल तक इबादत करने की ताकत किसने दी? ये कहेगा, या रब, आपने। अल्लाह ताला फरमाएगा कि पानी की मौजों के दरमियान पहाड़ पर तुझको किसने पहुँचाया?
और खारे पानी में मीठे पानी का चश्मा तेरे लिए किसने निकाला? और अनार का दरख्त जो एक साल में एक दफा फल लाता है, रात दिन में उसको एक फल देने वाला किसने बनाया? और तूने जब अर्ज की कि मेरी जान सजदे की हालत में निकले, तो मैंने तेरी ये बात भी पूरी कर दी। ये अर्ज करेगा, ऐ रब तूने सभी कुछ किया। इरशाद खुदावंदी होगा, ये मेरी रहमत है और मैं अपनी रहमत से तुम्हें जन्नत में दाखिल करता हूँ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझसे कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम अशिया अल्लाह की रहमत हैं। तो प्यारे भाइयों, इसलिए चाहिए कि अल्लाह ताला से हमेशा ये दुआ की जाए कि अल्लाह ताला हमें भी अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल फरमा। अगर आपके दिल में भी यही दुआ है तो कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर आमीन तहरीर कीजिएगा। किसी की एक आमीन हम सबका काम बना सकती है। प्यारे भाइयों, हम बात कर रहे थे सर के बालों के सामने से सफ़ेद होने की। तो याद रहे कि सर के बाल अगर सामने से सफ़ेद हों तो ये बरकत और खुशनसीबी की अलामत है। इसलिए जो लोग सफ़ेद बालों को देखकर परेशान होते हैं और उनको पसंद नहीं करते, तो उनको चाहिए कि बालों से परेशान ना हों और सफ़ेद बालों को उखेड़ने की कोशिश ना करें। ये तो उनके लिए बरकत और खुशनसीबी का सबब है। और याद रहे कि रिवायात में ये बात भी मिलती है कि खुद अल्लाह ताला भी सफ़ेद बाल से हया फरमाते हैं। इसलिए उम्मीद है कि बरोज़ क़यामत सफ़ेद बालों वालों के साथ अल्लाह पाक रहमत और फ़जल का मामला फरमाएंगे। और जहाँ तक बात है सफ़ेद बालों को खेड़ने की, तो इस हवाले से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़ेद बालों को ना उखाड़ो, क्योंकि वो क़यामत के दिन नूर होगा और जिस शख्स के बाल इस्लाम में सफ़ेद हो गए उसके लिए उसके एवज़ एक नेकी लिखी जाएगी, एक गुनाह मिटाया जाएगा और एक दर्जा बुलंद किया जाएगा। इसी तरह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जब मेरे बंदे की उम्र 40 साल की हो जाती है तो मैं उसको तीन किस्म के अमराज से महफूज कर देता हूँ, जुनून यानि दीवानगी, जज़ाम यानि कोढ़ और बर्स से महफूज कर देता हूँ। और जब मेरे बंदे की उम्र 50 बरस की हो जाती है तो उससे हिसाब यसीर यानि आसान कर दूंगा। मतलब ये कि 50 साल वाले से क़यामत में आसान और सहल हिसाब होगा। जब कोई बंदा 60 साल की उम्र को पहुंच जाता है तो मैं तौबा और रुजू इल्लाह को उसका महबूब बना लेता हूँ। मतलब ये कि 60 साल की उम्र के बाद तौबा से मोहब्बत हो जाती है और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू होने की तौफीक अता होती है। जब किसी की उम्र 70 साल की हो जाती है तो फरिश्ते उससे मोहब्बत करते हैं, और जब कोई 80 बरस का हो जाता है तो उसकी नेकियां लिखी जाती हैं और गुनाह नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। प्यारे भाइयों, हमारी आज की इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन।